हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय सर विद्यापीठ और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी फिर से आ चुकी है। जैसा कि पिछली बार आपने एज्योर एआई फंडामेंटल्स का चैलेंज ज्वाइन किया था, उसी तरीके से इस बार आप सभी के साथ प्रिय सर विद्यापीठ और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नहीं बल्कि दो दो चैलेंजेस लेकर हम आए हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चैलेंज है वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स का और दूसरा चैलेंज है पावर प्लेटफॉर्म फंडामेंटल्स का। तो इस बार आप इन दोनों चैलेंजेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब चैलेंजेस को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है कि किस तरीके से इस चैलेंज को ज्वाइन करना है, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इस वेब डेवलपमेंट के चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो चैलेंज है वो 1 अप्रैल तक एक्टिव है। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज्वाइन द चैलेंज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहां पर हम यहां पर टिक कर देंगे एंड देन यहां पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस चैलेंज में ज्वाइन हो चुका हूं, राइट? अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे क्लिक करना है स्टार्ट लर्निंग पे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट लर्निंग पे, आप देख सकते हैं कि सारे जो मॉड्यूल्स हैं यहां पर ओपन हो चुके हैं। तो इस चैलेंज में टोटल है 10 मॉड्यूल्स, देख सकते हैं आप। तो यहां पर आपको वेब डेवलपमेंट पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहां पर सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना HTML का वेब पेज बना सकते हैं, फिर CSS के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, वेब एक्सेसिबिलिटी हो गया, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, JavaScript, ठीक है, और आप देख सकते हैं एरेज एंड लूप्स, फिर लास्ट में इंट्रोडक्शन टू गिट एंड इंट्रोडक्शन टू GitHub। तो ये सारे मॉड्यूल्स इस चैलेंज में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस चैलेंज को कंप्लीट कैसे करना है वो मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको इस तरीके से मॉड्यूल पे क्लिक करना है, तो ये वाला मॉड्यूल यहां से ओपन हो गया एंड देन ये जितने भी इसके अंदर चैप्टर्स है वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि यहां पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहां से अब ये जो चैलेंज है वो मुझे ये सारे जो मॉड्यूल्स है वो पढ़ने हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, यहां पर वीडियोस भी हैं और यहां पर ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी हैं, तो ये सारी चीजें आप देख के अच्छे से पढ़ के अच्छे से वीडियोस में से देख के समझ सकते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के बारे में। और यहां पर देखिए, मैं फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा इस तरीके से, तो यहां पर ये देखिए एक्सरसाइजेस भी हैं और लास्ट में ये नॉलेज चेक आएगा। इस तरीके से यहां पर MCQs आएंगे, तो आपको मैं अभी MCQs ऐसे ही मैं टिक करके दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ के MCQs को टिक करना है एंड देन यहां पर ये चीज हो गई और ये मॉड्यूल यहां पे कंप्लीट हो गया। तो यहां पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो अब यहां पर देखिए, जैसे ही ये मेरा पहला मैंने मॉड्यूल कंप्लीट किया, तो यहां पर मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे अब दिखा रहा है 100% कंप्लीटेड। तो इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे मॉड्यूल्स जो है इन्हें कंप्लीट करना है, यानी कि इन सभी मॉड्यूल्स के साइड में आपको 100% कंप्लीटेड दिखाई देगा और यहां पे लास्ट में आपको पूरा 100% कंप्लीटेड दिखाई देगा। उसके बाद ये पूरी प्रोसीजर हो जाए, उसके बाद आपको फिलअप करना है ये फॉर्म, ठीक है, ये सबमिशन फॉर्म है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फिलअप दिस फॉर्म ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर चैलेंज, अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव द सर्टिफिकेट। यानी कि जब तक आप ये सारे के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट ना कर ले तब तक आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है। अगर आपने इस फॉर्म को उससे पहले ही भर दिया तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, राइट? तो यहां पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपको ये जो पूरा फॉर्म है ये भरना पड़ेगा। इस फॉर्म में कितनी चीजें आप देख सकते हैं, यहां पर आपको आपका नाम एंटर करना है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी। तो ध्यान रखें कि आप अपनी ईमेल आईडी को सही तरीके से डालें, क्योंकि अगर आप अपनी ईमेल आईडी को सही तरीके से नहीं डालेंगे और अगर आपने इसको लिखने में एरर किया तो फिर आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, राइट? फिर एंटर द लिंक ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्रोफाइल। तो ये यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपकी ये जो प्रोफाइल है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आपको उस पर क्लिक करना है इस तरीके से और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये जो आपकी प्रोफाइल की जो लिंक है इसे कॉपी करके आपको यहां पर इस फॉर्म में इस तरीके से डालना पड़ेगा, राइट? तो जैसे ही आप चैलेंज कंप्लीट करें और जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो इस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइल की लिंक जो होगी माइक्रोसॉफ्ट लर्न की उसे इस तरीके से यहां पे डालना है। उसके बाद यहां पे देखिए आपका कॉलेज का नाम आपको यहां पे एंटर करना है एंड देन एंटर द लिंक ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये चीज ऑप्शनल है, अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया हुआ है तो यहां पर आप
उस चीज को एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए आपको यह भी पता है कि लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट होगा तो ये चीज अच्छी होगी, और अगर आप इसको यहां पर अपनी प्रोफाइल की लिंक दे तो वो और भी अच्छी बात होगी, राइट। बट इन केस अगर आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को खाली रख सकते हैं और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका जो इंफॉर्मेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी, राइट। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो चैलेंज है ये 1 अप्रैल तक एक्टिव है, राइट, यानी कि 1 अप्रैल तक आप ये दोनों चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो ये मैंने आपको वेब डेवलपमेंट वाला बताया और वैसे ही ये है पावर प्लेटफॉर्म फंडामेंटल्स का। तो जो स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिटिक्स में और डेटा विजुअलाइजेशन में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये चैलेंज काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी ही आप इसमें से चीजें सीख सकते हैं, राइट। तो ये चैलेंज भी आप उसी सेम प्रोसीजर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों चैलेंजेस जो है ये 1 अप्रैल तक एक्टिव रहने वाले हैं। तो आपको एक चीज मैं बहुत ही ध्यान से बताना चाहता हूं कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको 1 अप्रैल के बाद 1 वीक के अंदर अंदर मिलेगा। तो प्लीज आप ये डाउट बार बार ना पूछिए कि हमने फॉर्म भर दिया है लेकिन अभी तक हमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको 1 अप्रैल के बाद ही मिलेगा। 100% आपकी ईमेल आईडी जो होगी उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपने सारे के सारे मॉड्यूल्स जो है वो सही से कंप्लीट किए होंगे तो, राइट। तो यहां पर देखिए मैं फटाफट से ये चैलेंज भी आपको ज्वाइन करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और ये जो चैलेंज है यहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो इस चैलेंज के अंदर भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं कि कितने मॉड्यूल्स है। देखिए यहां पर 12 मॉड्यूल्स है टोटल इस चैलेंज में और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको उसी तरीके से कंप्लीट करने हैं जिस तरीके से अभी मैंने आपको ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करके दिखाया, राइट। तो यहां पर ये 10 मॉड्यूल्स है और पावर प्लेटफॉर्म वाला जो है हमारा चैलेंज उसमें टोटल 12 मॉड्यूल्स है। तो अगर आप ये दोनों चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखिए पावर प्लेटफॉर्म का भी इस तरीके से आपको फॉर्म मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को भी फिलअप करते हैं, ठीक है, इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद, तो आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल के बाद मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो कोई एक चैलेंज भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का ही कंप्लीट करते हो तो आपको सिर्फ उसका ही सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप इन दोनों चैलेंजेस को कंप्लीट करते हो तो फिर आपको 1 अप्रैल के बाद इन दोनों चैलेंजेस के लिए आपके सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, राइट। तो ये दोनों चैलेंजेस अभी एक्टिव हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज दिखा दी कि ये जो चैलेंजेस है ये अभी देखिए 14 डेज तक एक्टिव है, राइट। 1 अप्रैल तक ये चैलेंज एक्टिव रहने वाले हैं दोनों के दोनों। तो आप फटाफट से जाके इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। अब यहां पर ये बात तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको बता दी कि आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो कब तक मिलने वाले हैं। दूसरी बात कि ये जो लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर है वो सभी स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाएंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर दिया जाएगा। तो अगर पिछली बार के चैलेंज में कुछ स्टूडेंट्स को अगर लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर मतलब मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिला है तो उन स्टूडेंट्स के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी है कि आपको लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर मिलने का आपके पास फिर से चांस है। तो आपको अगर आप लकी रहे तो आपको लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर जरूर से मिलेगा, राइट। तो ये चीज हो गई चैलेंज की बात। अब यहां पर एक और अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ लेकर आया हूं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट जेडी कॉन्फ्रेंस 2024। यानी कि अगर आप स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड है, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लाइव इवेंट आप सभी के लिए जो है वो 27th और 28th मार्च को होने वाला है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जावा डेवलपमेंट में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है और जो लेटेस्ट जावा ट्रेंड्स में, क्लाउड डेवलपमेंट में और एआई के इनोवेशंस में इंटरेस्टेड है, राइट, और जिनका एंटरप्रेन्योरियल माइंड है और लाइफ में वो अगर वो आगे जाके कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इवेंट जो है, ये 2 दिन का जो इवेंट है वो काफी ही अच्छा साबित होने वाला है, राइट। आप इस इवेंट के लिए यहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद रजिस्टर फॉर दिस सीरीज में जाके आप इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और 27th और 28th मार्च को आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे सारी की सारी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको मिल जाएगी और आप इस लाइव इवेंट को, वर्चुअल इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये बात हो गई। अब लास्ट में अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप सीधा अपना डाउट इस
ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, राइट। तो ये ईमेल आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपका कोई भी टाइप का डाउट हो तो सीधा आप ये जो आपका डाउट होगा वो इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, राइट। तो यही थी सारी अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो ये चैलेंजेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही आप इसमें से सीखने वाले हैं, तो जरूर से इन्हें कंप्लीट कीजिए। और प्रियश्री विद्यापीठ के माध्यम से आपको ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फ्यूचर में भी देखने मिलेंगे, जिसकी मदद से आप टेक्नोलॉजीज जो है नई इन्हें सीख पाओ और अपने करियर को काफी ही अच्छा बिल्ड कर पाओ। थैंक यू सो मच।